सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल FJP व्लॉग्स। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा लाइक मैं ये व्लॉग जो है किस टॉपिक में बनाने जा रहा हूँ। सो यस गाइस, आई मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं बहुत टाइम से व्लॉग नहीं डाल रहा था। लाइक इट्स बीन लाइक 3 months, 3 महीना होने वाला है एंड मैं व्लॉग नहीं डाल रहा था। सो जस्ट टू इन्फॉर्म यू डैट मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल रहा हूँ, सो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। उसी चीज़ रिलेटेड टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ, एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ एंड उसके बाद क्या हुआ एक्सेट्रा, वो चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ एंड जितना हो सके मैं इसको शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा बिकॉज अगर मैं डिटेल में बनाऊँगा तो ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड गाइस, जो अभी बात करते हैं एक्सीडेंट के बारे में, सो एक्सीडेंट मेरा हुआ है 22 जून को एंड जब एक्सीडेंट हुआ था मैं काम से वापस आ रहा था एंड मैं अभी सिलगुड़ी में रह रहा हूँ, बेंगडूबी में, बागडुगरा बेंगडूबी, बहुत लोगों को पता होगा। मैं काम से वापस आ रहा था एंड लगभग था टाइम 12:30 से 1 बजे के बीच ये एक्सीडेंट हुआ। सो वहाँ से मैं आ रहा था एंड ग्रीन सिग्नल था प्लस मैं स्पीडिंग नहीं कर रहा था, ओवर स्पीड नहीं था, मैं नॉर्मल स्पीड में था, लगभग ऐसे 60-70 की स्पीड में था मैं अकॉर्डिंग टू द हाईवे। वो एक नॉर्मल स्पीड है क्योंकि मैं उड़ा नहीं रहा था बाइक, मैं एकदम भगा नहीं रहा था, 100-110 की स्पीड में ऐसे भगा नहीं रहा था, मैं एक नॉर्मल स्पीड में था, कॉन्स्टेंट एक नॉर्मल स्पीड में जा रहा था एंड सिग्नल ग्रीन था। NBU जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी Gate No. 2 में, मैं अपने लेन में जा रहा था। जैसे कि मैं आप लोग एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ से जा रहा था, सिग्नल पे ग्रीन था एंड अचानक से यहाँ से एक बाइक वाला आया, वो भी एक हेलमेट नहीं था उसका, दो लोग थे बाइक में बिना हेलमेट के थे, एक के पास हेलमेट था, पीलियन जो बैठा था वो भी उसने एल्बो पे पहना हुआ था। सो वो एकदम सडनली आगे आ गया एंड मैं आ रहा था यहाँ से, सडनली वो जैसे आगे आया इतना वो सडन था, जब मैं ब्रेक मैंने हिट किया, पैनिक ब्रेक जैसे बोलते हैं, जैसे हिट किया बहुत लेट हो चुका था बिकॉज ये बहुत ही कहाँ से आया, आगे आके वहाँ पे रोक दिया बाइक बीच में। मैं लेफ्ट भी नहीं जा सकता था, राइट भी नहीं जा सकता था, सीधा हम लोग वी जस्ट कोलाइडेड, हम लोग का वो एक्सीडेंट हो गया एंड जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया आई वॉज सो नर्वस, मेरा फर्स्ट टाइम था एंड आई वॉज सो नर्वस। एक चीज़ मैं बता देता हूँ गाइस, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब वहाँ पे क्राउड जो गैदर हुआ वहाँ पे, एक ने भी नहीं बोला है कि मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा था इसके तेरे वजह से जो है एक्सीडेंट हुआ, एक ने भी नहीं बोला। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी आया, वो भी बोल रहा था मेरा गलती नहीं था क्योंकि मैं एक नॉर्मल स्पीड था। एक ही गलती हुआ, मैंने अपना GoPro नहीं वहाँ पे मैंने GoPro नहीं लेके गया था, मैं GoPro जो है माउंट नहीं था मेरे हेलमेट में। सो मेरा गलती वही था, अगर वहाँ पे मेरा GoPro माउंट होता वहाँ पे रफा दफा हो जाता ये चीज़, मेरे पास नहीं था। वहाँ पे Gate No. 2 में CC कैमरा हम लोग ने बहुत सर्च किया, वहाँ पे भी CC कैमरा नहीं था। जैसे कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, बहुत लोग इकट्ठा हो गए थे एंड सभी उन लोगों को पॉइंट कर रहे थे एग्जैक्टली करना भी चाहिए क्योंकि वो लोग रॉन्ग साइड से आ रहे थे, सीधा यहाँ से बाइक घुसा, जैसे मैं यहाँ से आ रहा था सीधा यहाँ से घुसा के वो लोग वहाँ पे जाना चाहते थे। सो ऑब्वियसली वो इतना उन लोगों के देखा भी नहीं, सिग्नल ग्रीन है गाड़ी आएगा देखा भी नहीं। सो सब लोग उन लोग को बोल रहे थे, उन लोग को सुना रहे थे एंड वहाँ पे एक अंकल ने बोला मुझे इन लोग को बोलो पैसा वो देने के लिए क्योंकि 20-30 हज़ार का तो खर्चा आएगा। कोई बोल रहे थे चाबी निकालो, मेरे माइंड में यही था कि मैं बहुत नर्वस था जैसे कि मैंने बोला एंड मेरे माइंड में यही था कि मैं क्या करूँ वहाँ पे एट द पॉइंट, वहाँ पे मैं क्या करूँ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं किसको कॉल करूँ, कॉल करके क्या बोलूँ, वही मेरे माइंड में चल रहा था दिमाग में। सो मैंने फाइनली विशाल को कॉल किया, साहिल, पंकज जो जो फ्री थे दोस्त लोगों को मैंने कॉल किया, वहाँ पर बुलाया। सो जैसे वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे लोगों ने टोटो रुकवाया, जैसे टोटो वहाँ पे रुका हम लोग मुक्ता नर्सिंग होम गए क्योंकि दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा
जो है यहाँ पे शोल्डर पे लगा, मुझे बहुत जगह लगा लाइक जैसे कि शोल्डर हो गया, मेरा चेस्ट पे हो गया यहाँ पे लेफ्ट साइड में, एंड मेरे स्टमक जो मेरा एब्डोमेन एरिया वहाँ पे लगा, मेरे लेफ्ट हील पे लगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरा गड्ढा हो गया था। मुक्ता नर्सिंग होम गए हम लोग, वहाँ पे जाने से पहले वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पुलिस आ गया था। पुलिस आके वहाँ पे बोला कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि पुलिस में अभी बात जाएगा, बाइक वगैरह सीज होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा दोनों को। एंड आई वॉज ओके, क्योंकि मैं पेन में था, नर्वस था, मुझे लगा वो लोग सेटलमेंट करते हैं, उन लोगों को बोला। एंड आई वॉज लाइक ओके चलो ठीक है सेटलमेंट करते हैं। फिर हम लोग मुक्ता नर्सिंग होम की तरफ जा रहे थे, तो फिर से मैंने पूछा कि भैया आप लोग कर दोगे लाइक सेट वो बाइक का तो कर दोगे ना? उन लोगों ने बोला ठीक है कर देंगे। जैसे वहाँ पे गए मैंने एक्सरे किया लेफ्ट का, क्योंकि मैं अपने लेफ्ट शोल्डर पे लैंड हुआ था जब एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पे एक्सरे गया, सब नॉर्मल था। एंड जब जैसे मैंने उस लड़की को पूछा लाइक बाइक का क्या करोगे आप, तो खर्चा देना पड़ेगा। उन लोग का फैमिली आया, 8 लोग था टोटल, 8 लोग, मैंने पिक्चर भी क्लिक किया, 8 लोग था। उन लोग ने मतलब नहीं दूंगा बोला, मैंने उन लोग को बोला इंश्योरेंस करो। भैया मैं इंश्योरेंस क्यों करूँ, लाइक गलती मेरा नहीं था, एक्सीडेंट उस लड़की के वजह से हुआ, पैसा तो आपको देना पड़ेगा, मैंने बोला, हम लोग ने बोला था वहाँ पे, मैं और साहिल वहाँ पे थे। एंड उसके बाद उन लोग ने बोला कि नहीं देंगे, क्या कर लोगे, कुछ भी कर लो। हम लोग ने कहा FIR कर देंगे, कंप्लेंट कर देंगे, तो उन लोग ने बोला कर दो ठीक है देख लेंगे। एंड हम लोग उसके बाद वो लोग चले गए, भाग गए वो लोग। एंड हम लोग वहाँ पे गए, स्पॉट पे गए वहाँ पे, जैसे वहाँ पे नहीं, उसके बाद हम लोग गए पुलिस स्टेशन। वहाँ पे अंदर जाने से पहले हम लोग ने फिर से कॉल किया, हम लोग यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे, हम लोग बाहर पे हैं एंड हम लोग FIR करने जा रहे हैं, मतलब क्या करो सेटलमेंट करोगे या नहीं करोगे। उन लोग ने बोला नहीं करेंगे। एंड आई ठीक है, उसके बाद हम लोग ने FIR कर दिया वहाँ पे, FIR जैसे किया तो उसके बाद हम लोग FIR करके हम लोग गए स्पॉट में, वहाँ पे पुलिस आया एंड क्या क्या इंसिडेंट हुआ वहाँ पे हम लोग ने बताया, उन लोग ने वहाँ पे लिखा। उसके बाद क्या हुआ, वो लोग बाइक लेके चले गए, सो बाइक लेके वहाँ पे चले गए। एंड अभी तक कोर्ट का कुछ हुआ नहीं है, कुछ सेटल वेटल हुआ नहीं, कोर्ट में बुलाया नहीं है। सो अभी बात करते बाइक के बारे में, बाइक का क्या हाल है, क्या सीन हो रहा है बाइक का। सो गाइस अभी बाइक का ये है कि 22 को बाइक वो लेके चले गए पुलिस, एंड उसके बाद बाइक वहाँ पे रहा 29 तक वहाँ पे रहा। एंड 30 को हम लोग गए, जून 30 को हम लोग वहाँ पे गए, एंड वहाँ पे जो SI थे, SI जिसके अंडर में ये केस था हम लोग का FIR, वहाँ पे गए, उन लोग ने जिम्मानामा एक लिखा वहाँ पे, एक लेटर टाइप मतलब एप्लीकेशन जिम्मानामा सेइंग दैट कि वो बाइक जो है वो मेरे जिम्मा में छोड़ रहे, मतलब मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो छोड़ रहे, उसे बोलते हैं जिम्मानामा, वो लिख के हम लोग ने सबमिट कर लिया। एंड हम लोग ने बाइक लेके चले गए सर्विस सेंटर जो सेवक में है, वहाँ पे लेके चले गए बाइक, वहाँ पे फॉर्म वगैरह फिलअप किया, अप्लाई किया इंश्योरेंस के लिए, तो पूरा होने के बाद हम लोग चले गए। एंड इंश्योरेंस वाले ने कॉल करके खाली इतना ही बताया कि जो एस्टिमेट है, जो डैमेजेस है, उसका खाली एक एस्टिमेट भेजो। तो हम लोग ने सर्विस सेंटर में बहुत बार कॉल किया, एस्टिमेट नहीं भेज रहे थे वो लोग, पूरा उन लोग ने एस्टिमेट भेजने में लगा दिया 12-13 दिन, खाली उसको खाली डैमेज देखना था और उसका एस्टिमेट निकाल के भेजना था, उसमें लगा दिया 12-13 दिन। सो वो भी इसीलिए लगाया 12-13 दिन भी, वो और भी टंग जाता। हम लोग वहाँ पे गए सर्विस सेंटर गए, वहाँ पे उन लोग को बताया कि हम लोग को चाहिए जल्दी करो बोल के, तो उसके बाद उन लोग ने वहाँ पे 4 घंटा हम लोग रुके, 4 घंटा वहाँ पे रुक के पूरा हमारे सामने एस्टिमेट निकाल के करो बोल के उन लोग ने किया, वो भी 4 घंटे में एस्टिमेट निकालने में एस्टिमेट। उसके बाद इंश्योरेंस वाले को भेजा एंड 14 को पूरा मतलब वो हो गया, मतलब पूरा प्रोसेस होके उन लोग ने बोला 14 से अभी वो मतलब चालू कर दो काम। फिर से मैंने कॉल किया सर्विस सेंटर वाले को, कॉल किया वहाँ पे, बोला कि भैया काम चालू कर दो क्योंकि इंश्योरेंस वाले ने बोल दिया है, मतलब पूरा हो गया है प्रोसेस। तो उसके बाद मुझे देना पड़ा 5000 एज एन एडवांस, क्योंकि पार्ट्स वगैरह लाना पड़ रहा था। सो पार्ट्स अभी तक मतलब अभी फाइनली आया, अभी गाइस 1 महीना हो गया है
फाइनली पार्ट्स आया है अभी। उन लोग ने बोला था जब पार्ट्स आएगा तो दो तीन दिन में बना के दे देंगे, बट उन्होंने बोला था फ्राइडे और सैटरडे तक बना के दे देंगे, बस आज है संडे। सो उन लोग ने बोला कि ट्यूसडे तक बना के दे देंगे। सो अभी लेट्स सी गाइस, अभी ट्यूसडे तक बनेगा या नहीं बनेगा वो तो अभी कॉल करके पूछना पड़ेगा। गाइस ऑलवेज वेयर योर हेलमेट, बिकॉज जब मैं गिरा था तब मेरा यहाँ पे हेलमेट में स्क्रैच भी आया है, एंड हेलमेट की वजह से अभी मेरा अभी मतलब ये पार्ट हेड एरिया है लेफ्ट साइड में बचा है। हेलमेट नहीं होता तो डेफिनेटली मेजर इंजरी होता, ऑब्वियसली इंटरनल होता। जब व्लॉग बाइक लेने जाऊंगा तो डेफिनेटली गाइस डेफिनेटली मैं व्लॉग करूंगा। तो अभी वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, एंड गाइस ऑलवेज ऑलवेज वेयर योर हेलमेट बिकॉज ये आप लोगों के लिए है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, अभी मिलते हैं ट्यूजडे को इफ बाइक लेने जब जाऊंगा फ्राइडे को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, पीस।